पता है? सही है, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम मेरी लाइफ में जब से आई हो ना, मेरी स्ट्रेंथ बन के हो, हमेशा ऐसे ही बनी रहना। अब तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। कैसा सरप्राइज? अरे है ना एक सरप्राइज। बताई तो सही। अरे बताऊंगा, बहुत अच्छा वाला सरप्राइज है। पर है क्या? अच्छा वेट करो, आंख बंद करो पहले। ओके ठीक है। ओके जिंदगी में किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं आएगी। अब ऐसा क्या सरप्राइज है? है ऐसा सरप्राइज है जो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया गोस्वामी और क्राइम सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। रोमा और सौरभ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उनकी जिंदगी में परेशानियां भी थी, जैसे हर पति पत्नी की जिंदगी में होता है। पैसों की किल्लत की वजह से सौरभ बहुत परेशान रहने लगा था, पर क्या परेशानी इतनी बड़ी थी कि उसने अपनी ही शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया? आइए देखते हैं। मैंने कहा ना आपसे कि आपका किराया आपको मिल जाएगा। अरे हम कहीं भाग थोड़ी रहे, हम यहीं पे तो हैं। हाँ हाँ मुझे पता है कि कुछ महीनों से मैं आपको किराया लेट दे रही हूँ, लेकिन आपको मिल तो रहा है ना किराया। हमारे कुछ ड्यू क्लियर है, वो भी क्लियर कर लेंगे, उसके बाद सौरभ की पेमेंट 2 दिन में आ जाएगी। हम आपको 2 दिन में किराया दे देंगे। हाँ प्लीज जी, नहीं मकान खाली करने की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। देखा सौरभ का नाम लिया और सौरभ आ गए। हाँ मैं आपकी 2 दिन में ही पेमेंट क्लियर कर दूंगी। हाँ ठीक है ओके। क्या हुआ सौरभ, आप इतने परेशान क्यों? बड़ा ही नीच किस्म का आदमी है। कौन? मेरा बॉस। क्या हुआ? मेरी पेमेंट्स भी नहीं क्लियर कर रहा है, मेरे ड्यूज भी क्लियर नहीं कर रहा है, और उल्टा बोलता है कि मेरी वजह से उसे घाटा हुआ है। घाटा? अब ये घाटा कहाँ से आ गया? अरे सब नौटंकी है, सब नौटंकी है। उसकी असलियत तो आज सामने आई। वो तुमसे और मुझसे क्या चाहता है? मुझसे? हाँ मुझे इतना गुस्सा आया था कि मन किया उसका मुंह वहीं तोड़ दूं जब उसने उस तरीके की गंदी बात मेरे सामने रखी। लेकिन क्या करता, हालात इतने खराब हैं कि मैंने अपने आप को रोक लिया। सीधे सीधे बताइए ना, क्या बोला उसने? उसने बोला वो मेरी पेमेंट भी क्लियर करेगा, मेरे ड्यूज भी क्लियर करेगा, और मुझे प्रमोशन भी देगा, लेकिन उसने एक ऐसी शर्त रखी। क्या? कितने भी खराब हो लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रोमा, बहुत प्यार करता हूँ।
मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा और मैं सब ठीक कर दूंगा। काम करने पर फायदा होता है। सौरभ एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किस्म का इंसान था, पर उसका बॉस तो उससे कुछ और ही चाहता था। उसकी तो ख्वाहिशें कुछ और थी। वो चाहता था कि वो रोमा के साथ एक रात बिताए, जिसके बदले में वो सौरभ को पैसा देना चाहता था और उसे प्रमोशन भी देता। एक तरफ बीवी की इज्जत और दूसरी तरफ पैसों की किल्लत। आखिर वो कौन था जिससे सौरभ आधी रात को बात कर रहा था? ऐसा क्या था कि उसे रोमा से छिप कर बात करनी पड़ रही थी? क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। रेंट पे करना है, ड्यूज क्लियर करने हैं, और ये पैसों की वजह से इतने परेशान है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या मैं इनके बॉस के साथ, और कोई चारा भी तो नहीं है। आई थिंक मुझे ये करना ही पड़ेगा। हाँ रोमा, तुझे ये करना ही पड़ेगा। सौरभ, मुझे आपसे बात करनी है। अभी इतनी रात को तुमको क्या बात करनी है? अभी क्या दिन क्या रात, सब एक जैसा लगता है टेंशन में। ऊपर से हमारी माली हालत भी ठीक नहीं है, और ऑनर ने भी बोल दिया है कि दो दिन में खाली करो अगर रेंट नहीं दोगे तुम लोग तो। सौरभ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे पता है आपको सुन के बुरा लगेगा, लेकिन आपके और हमारे ड्यूज क्लियर करने के लिए मैं आपके बॉस के साथ संबंध आइंदा अगर कहाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? परेशानियों से निकालने के लिए उसके बॉस के साथ सोने तक को तैयार हो गई थी, पर सौरभ तो उससे इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता था। यहां तक कि उसने रोमा पर हाथ भी उठा दिया था। पर कहते हैं ना कि नसीब को अपने हाथों से नहीं बदला जा सकता। थोड़े से पैसों के लिए और सौरभ को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए रोमा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या मैडम, अच्छे खासे घर की लगती हो। आपको देखकर लगता नहीं कि आप पैसों के लिए सब कुछ कर रही हो। क्यों कर रही हो सब? किसी की शक्ल देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसके हालात कैसे हैं। इतना बड़ा कदम कोई ऐसे नहीं उठाता जब तक उसकी कोई बड़ी मजबूरी ना हो। अक्सर ऊपर से खुश रहने वाले लोग अंदर से दुखी होते। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, वो पैसों की वजह से दुखी है। आप प्लीज मेरे लिए कोई जल्द से जल्द क्लाइंट ढूंढिए और मुझे बताइए। ठीक है। क्या क्या करना पड़ जाता है साला पैसों की वजह से?
पर अपना क्या, अपना धंधा यही है। हेलो। अरे बताइए भाईजान। हाँ, साले बुड्ढे को पता भी नहीं चला कि जो लड़की हमने उसके पास भेजी थी ना, तो मेरी बीवी नहीं, एक प्रोस्टिट्यूट थी। अरे भाईजान, असलम का माल है। और वैसे भी बुड्ढे को पता ही क्या चलना था, इतने मजे दिए होंगे वही लड़की ने कि बस पूछो मत। ये बात तो सही है। कोई और सेवा तो बताना भाईजान। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अच्छा सुन, एक काम करना, वो लड़की का फोटो नंबर भेजना मेरे पास। क्या भाईजान, आपकी भी नियत फिसल गई क्या? अरे नहीं यार, मैं उससे मिलकर उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसकी वजह से आज मुझे और मेरी बीवी को जीने की वजह मिल गई, हमारी जिंदगी फिर से शुरू हो गई। अरे भाईजान, आप तो इमोशनल हो गए। अभी भेजता हूँ नंबर, आपको थैंक्स बोलना या ट्राई करना है आपकी मर्जी। और हाँ भाईजान, भाभी को मेरा सलाम बोलना। हाँ हाँ, जरूर जरूर। रखता हूँ भाईजान। चल अपना ध्यान रखना, बाय। हाँ हाँ पता है, सही है, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लाइफ में जब से आई हो ना, मेरी स्ट्रेंथ बन के हो, हमेशा ऐसे ही बनी रहना। अब तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। कैसा सरप्राइज? अरे है ना एक सरप्राइज। बताइए तो सही। अरे बताऊंगा, बहुत अच्छा वाला सरप्राइज है। पर है क्या? अच्छा वेट करो, आंख बंद करो पहले। ओके ठीक है। ओके हुआ, कहाँ खो गए आप, जल्दी कीजिए। रोमा असलम की क्लाइंट है, इस बारे में तुम्हें सोच भी नहीं सकता था। नहीं नहीं, मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा है। क्या किया रोमा तुमने मेरे साथ, ऐसा नहीं कर सकती तुम। बताइए तो सही। एक ऐसा सरप्राइज है जो तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। जिंदगी में किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं आएगी। अब ऐसा क्या सरप्राइज है? है ऐसा सरप्राइज है जो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख दूर। क्यों किया तुमने ऐसा, मुझे तुम्हें मना किया था ना, मना करने के बावजूद तुम गई हो। कितना प्यार करता था मैं तुमसे, मैं कितनी भी तकलीफ में था मैंने तुम्हें मना किया था रोमा। असलम की क्लाइंट
रोमा ने गलती जरूर की थी, पर क्या उसे उस गलती की इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? सौरभ रोमा से बहुत प्यार करता था, और जब उसे यह पता चला कि रोमा ने पैसों के लिए इतनी गिरी हुई हरकत की है, तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो अपने गुस्से पर भी काबू नहीं कर पाया और उसने रोमा की जान ले ली। अगर सौरभ उस समय अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखता और अपने गुस्से पर थोड़ा काबू पा सकता, तो आज दो जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। खैर, सौरभ ने खुद को पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया और उसे कड़ी सजा भी हुई। तो दोस्तों, आज के एपिसोड से हम ये सीखते हैं कि इंसान को हमेशा अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना चाहिए, और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उससे प्यार करने वाले या जो लोग उससे करीब हो वो हर्ट हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे क्राइम सीरीज के अगले एपिसोड में। जय हिंद। क्यों कर रहे हो? तुम कैसे किसी अपने को इतना तड़पा सकते हो? हाँ, वो तुम्हारा भाई था और मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। बहन जैसी हो? बहन तो नहीं ना। और बाय द वे, तुम इतना क्यों सोच रही हो? वो मेरा भाई था, और जब वो तुम्हें इतनी कम उम्र में छोड़कर चला गया, तो बड़ा भाई होने के नाते मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। हाँ जी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। तुम में और तुम्हारे भाई में कितना फर्क है। तभी तो वो वहां और मैं यहां हूं। इस तरह से रोने से कोई फायदा नहीं। बस इस तरह से मेरे साथ कॉपरेट करती रहो और जिंदगी भर तुम आबाद रहोगी।
तुम क्या कर रही थी? बहुत बुरी लड़की है ये, तुम नहीं आती ना तो पता नहीं क्या कर बैठती है। दीदी मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब इन्होंने कहा मुझे करने के लिए। दीदी प्लीज समझो, दीदी आपके पति ने मेरी गंदी वीडियो निकाली और आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। चुप करो तुम, मुझे सब पता है, मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है। पहले तुम अपने पति को खा दियो, अब मेरे पति के पीछे पड़ी है। ये मैं क्यों नहीं दूंगी, निकल अभी, चल निकल अभी यहाँ से, निकल। यही सब सोचता रहता है, बार बार अच्छा नहीं लगता ये सब। तुम्हें पता है ना काम का कितना बोझ है मेरे सर पर। का पता किसने दिया? जाने मन, हम अपना शिकार दबोच ही लेते हैं।
तैयारी हो रही है, आज तो संडे है। तुम्हें हर बात बताना जरूरी है क्या? अरे बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आप तो ना ऐसे बोल रहे हो। देखो तुम ना अपने काम से काम रखो, मेरे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो ऑटो। वीडियो डिलीट हो जाएगी। हाँ। अरे जूही, मुझे उस दिन सिमरन सही कह रही थी, मैं उसकी बात पे यकीन नहीं की। सिमरन गलत नहीं थी, तुम गलत थे। अरे सिमरन बताओ ना इसे। अरे मैं इसको पैसे देने आया था, इसको कुछ पैसों की जरूरत थी। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। मैं बाहर खड़ी होकर ना सब कुछ सारी बातें तुम्हारी सुन चुकी हूँ, और सिमरन ने मुझे कल ही बता दिया था कि तुम यहाँ आने वाले से मिलने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ तुम किसी इंसान को शर्म आती है, तुम सोच कैसे सकते हो? तुम्हारी जगह ना यहाँ नहीं है, पुलिस में है। मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। जूही पुलिस को मत करो कॉल, मर जाना ही बेहतर है।